चलिए फ्रेंड आज पढ़ते हैं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फॉस्फिन गैस को प्रवाहित किया जाता है क्या होता है। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फॉस्फिन गैस को प्रवाहित करना है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 जिसे हम लूनार कास्टिक के नाम से भी जानते हैं प्लस H2O और इसके अंदर हमें फॉस्फिन गैस PH3 को प्रवाहित करना है। जब फॉस्फिन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें धात्विक सिल्वर मेटेलिक सिल्वर प्राप्त होती है, नाइट्रिक अम्ल और फॉस्फोरस अम्ल H3PO3 प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड ये थी रिएक्शन, इसे बैलेंस कर लेते हैं। 6AgNO3 3H2O 6Ag और 6HNO3, तो ये रिएक्शन क्या होती है, इस प्रकार से बैलेंस हो जाती है। रिएक्शन थी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3 के सॉल्यूशन में PH3 को हमें प्रवाहित करना था जिससे हमें धात्विक सिल्वर मेटलिक सिल्वर और नाइट्रिक अम्ल और फॉस्फोरस अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब इस रिएक्शन को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं किस तरह से हम इस रिएक्शन को याद कर पाएंगे। देखिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हमने किस तरह से लिखा, 6 Ag और 6NO3 को अलग कर लिया। वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं। इनको हमने कैसे लिखा, HOH, 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 क्लियर। फॉस्फिन होती है PH3, मैंने इसको P और 3H में लिखा है। अब देखिए नाइट्रेट है, मैंने इसको फिर डिवाइड करा 3NO3 में और 3NO3 में, क्लियर। अब देखिए यहां से 3 हाइड्रोजन और 3NO3 को मिला दीजिए, इससे क्या बनेगी, 3HNO3 जिसका नाम होगा नाइट्रिक अम्ल। अब यहां से 3 हाइड्रोजन लीजिए और 3NO3 को मिलाइए तो क्या बनेगा, 3HNO3। तो कुल मिलाकर यहां से कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं नाइट्रिक एसिड के, हमें 6 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड के प्राप्त हो जाते हैं। यहां से हमें धात्विक सिल्वर 6Ag भी प्राप्त हो जाती है, क्लियर। अब देखिए हमारे पास बचता है फॉस्फोरस और बचते हैं 3 हाइड्रोक्साइड। इन 3 हाइड्रोक्साइड को फॉस्फोरस को इस तरह से मिलाइए, कैसे, HPO। अब कितने हाइड्रोजन है, 3, कितने ऑक्सीजन है, 3, तो कुल मिलाकर इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोरस अम्ल। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमें फॉस्फोरस अम्ल H3PO3 भी प्राप्त हो जाता है और नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी प्राप्त हो जाता है और धात्विक सिल्वर मेटलिक सिल्वर प्राप्त हो जाती है।